अवार्ड विनिंग एक्सीडेंट प्रिवेंशन रोड सेफ्टी मॉडल विथ स्पीड ब्रेकर पावर जनरेटर। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, ये एक्सीडेंट को रोकने में बहुत लाभदायक है। मतलब कि जैसे पहाड़ी एरिया है उसमें अगर कोई कार जा रही है, घुमावदार रोड है, ब्रेकर्स होते हैं नहीं होते हैं, तो कोई बाइक आ रही है तो ये सेंसर वर्क करेगा कि जब उस बाइक या कार होगी जो सेंसर के पास आएगी उसे यह बजर के माध्यम से उसे बता दिया जाएगा या उसे पता चल जाएगा कि कोई उस साइड से बाइक आ रही है या कार आ रही है। इससे यह मेंटेन होगा और एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे में क्या वर्क करता है। ये एक IR सेंसर है जिसमें दो LED लगी है, एक रेड LED एंड ब्लैक LED। AIR सेंसर ये सेंस जैसे कोई आर्टिकल आती है इसके सामने तो ये सेंस करेगा कि मतलब कि ना सर अटक जाता है। ये IR सेंसर है, एक इसमें एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। इसमें 3 पिन होती हैं, आउटपुट, ग्राउंड एंड VCC। VCC द्वारा सप्लाई किया जाता है, ग्राउंड द्वारा इसे आउटपुट प्राप्त होता है। ग्राउंड द्वारा ये जो ग्राउंड होता है ये मतलब अर्थ का कार्य करता है और जो आउटपुट होता है इसके माध्यम से आउटपुट प्राप्त होता है। एक IR सेंसर है जो इसमें प्रोजेक्ट 0.5 रेगुलेटर है जो इस प्रोजेक्ट में कम मतलब यूज किया जाएगा। ये रेगुलेटर होता है क्या, इसके बारे में आपको डिस्कस बताते हैं। ये एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर IC होती है जो पॉजिटिव वोल्टेज यानी 5 वोल्ट कन्वर्ट करती है। नेगेटिव वायर, इसमें जो नेगेटिव वायर ग्राउंड में कॉमन चलता है और IC 78 काफ़ी पॉपुलर है इसलिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के गैजेट भी बना सकते हैं जैसे USB पोर्ट, मोबाइल चार्जर, ब्लूटूथ आदि मॉडल बना सकते हैं। इस रेगुलेटर का वर्क वहाँ पर होगा उस सर्किट को कंट्रोल करने का। इस प्रोजेक्ट में 220 ओम का जो रजिस्टर यूज किया जाएगा। यह रजिस्टर जो धारा को मतलब करंट को फ्लो होने से रोकती है। जैसे मान लो कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो ज़्यादा तेज़ हो गई तो ये बर्न आउट हो जाएगा। रजिस्टर का यह कार्य धारा को कंट्रोल करना। इस प्रोजेक्ट में 9 वोल्ट की बैटरी को यूज करते हैं। ये बैटरी इसमें 9 वोल्ट की होती है, इससे ज़्यादा पावर की बैटरी अपना यूज करें अन्यथा आपकी सर्किट जो है बर्न आउट होगी। इसमें स्विच है जो स्विच के द्वारा हम इसे कंट्रोल करेंगे, जैसे बैटरी को डिस्चार्ज और चार्ज करने के लिए इसमें स्विच का कंट्रोल करेंगे। और इसमें बैटरी 9 वोल्ट की यूज होगा। जंपर वायर का कार्य क्या है बताते हैं आपको। जो सेंसर है, जो IR सेंसर है, इसमें जो कनेक्शन होते हैं जंपर वायर के द्वारा होगा। आप चाहे नॉर्मल तार से यूज कर सकते हैं लेकिन ये सोल्डरिंग करने में बहुत कठिनाई है इसलिए हम जंपर वायर यूज कर रहे हैं। एक बार हम इसी से जो ऐड कर सकते हैं और एक ग्राउंड से और एक वायर हम आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपकी कनेक्टिंग होती है IR सेंसर में। इस जंपर वायर के और कार्य इसमें कनेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं नॉर्मली तार लेकर वायर लेकर आप इसमें कनेक्ट करना तो जैसे ये वायर हम ले रहे हैं, कोई वायर ले रहे हैं जैसे कि सोल्डरिंग किए हैं हम, तो वायर लेने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, सर्किट इसमें अटैच भी हो सकती है, इसलिए हमने जंपर वायर का यूज किया। कंपोनेंट को हम PCB पर डिज़ाइन करते हैं। PCB ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसे आप अगर अपने से कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं बनवा सकते हैं दुकान पर। इसमें जो रजिस्टर लगे हुए हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती है। मतलब एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल से और एक वायर निगेटिव टर्मिनल LED के और इसके LED पॉजिटिव और इसके LED के निगेटिव से बजर के निगेटिव और पॉजिटिव से ऐड करते हैं। जो इसमें जो बजर होता है जब मान लीजिए एक्सीडेंट प्रिवेंशन रोड सेफ्टी कार बना रहे हैं मॉडल, तो उसमें जब सेंसर के पास कोई जैसे ये सेंसर के पास कोई डिवाइस ऐसे जाती है तो ये जो है सेंसर से जैसे ही कंपोनेंट मतलब इसके पास आता है कोई कार तो ये बजर वीप का आवाज़ करता है। बजर का कार्य केवल वीप करना है। अब तक आप लोगों ने कंपोनेंट के बारे में जाना, आप देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। वर्किंग देखिए हो रही है, जब ये सेंसर के पास कोई कार या बाइक आ रही है तो ये सेंसर इसे सेंस करके यहाँ पर बजर की वीप आ रही है, यानी अर्थात मतलब इस ट्रैक से कोई गाड़ी आएगी तो यहाँ पर ये रुक जाएगी। ठीक है।